कोरोना काल में जिला अस्पताल के स्टाफ की संवेदनाएं भी खत्म हो गई हैं। बुधवार को एक पिता घायल बेटी को कंधे से लगाकर भटकता रहा, लेकिन अस्पताल में उसे भर्ती नहीं किया गया। गंभीर हालत होने के बावजूद 2 वर्षीय बच्ची को टांका लगाकर डिस्चार्ज कर दिया गया। बता दें, मानपुर के गांव कटिया में बुधवार भोर दीवार ढहने से 30 वर्षीय अनीता और उसके 3 बच्चे घायल हो गए थे। जिला अस्पताल में अनीता की इलाज के दौरान मौत हो गई और एक बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। कहाँ से हैं, क्या मामला? मानपुर जो है चौकी गांव कटिया सुकलनपुरवा से। रात में सुबह जो है दीवार गिर पड़ी थी, जो है उसी में जो है इसकी माँ और ये और 2 बच्चे जो है नीचे दब गए थे। सुबह जो यहाँ लेकर जो है 5 बजे यहाँ लेकर के आए तो जो भर्ती किया, दवाई दिया और जो है खोपड़ी फट गई थी, उसमें 3-4 टांके लगाए और इस बच्चे के एक इंजेक्शन लगाया और बाहर से 3 सिरप दवा लिखी, वो दवा दी है बस। कितने लोग हैं? 2 बच्चे, एक लड़की और इसकी माँ, और मौत किसी की नहीं, और माँ एक्सपायर हो गई इसकी जो है। हमारा नाम अमर सिंह जी। बताइए कैसे हादसा हुआ? ये रात में पानी बरस रहा था, उसके बाद सुबह 5 बजे लगभग मोतीलाल की दीवार गिरी, कच्ची दीवार, और इसमें 2 लड़के, एक लड़की लगभग 2 साल की और उसकी माँ उसके नीचे दब गई। उसको तुरंत निकाला गया और सरकारी अस्पताल भेजा गया। उसमें 2 बच्चे सुरक्षित हैं और लड़की के टाके लगे हुए हैं, एक इंजेक्शन लगाया, कुछ दवा बाहर से लिखी है, माँ उसकी एक्सपायर हो गई। अस्पताल में कैसे ट्रीटमेंट हुआ? अस्पताल में माँ लगभग 1 घंटे इसका इलाज हुआ, 1 घंटे के बाद वो एक्सपायर हो गई और बच्चे का एक इंजेक्शन देने के बाद बाहर से दवा लिख दी है, बाहर से सिरप ला के पिलाई गई है, ना बेड मिला है ना कुछ। बच्ची ले बाहर लिए खड़े गेट पे। हमारा नाम मंजेश यादव है। अनीता देवी नाम की महिला जो 35 साल की लगभग उम्र थी, ये लगभग 7:30 बजे सवेरे इमरजेंसी में आई थी और पता चला कि दीवार उस पर गिर गई थी, उसके साथ में 2 बच्चे भी थे, 2 बच्चे भी थे और उसमें से महिला की जो है करीब 1-1.5-2 घंटे बाद 9:30 बजे के आसपास मृत्यु हो गई है और जो एक बेटी थी सोनी उसको जो है। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।